नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। याद कीजिए आज ही के दिन आज से 5 साल पहले 8 नवंबर की तारीख रात 8 बजे का वक्त और प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था कि अभी से देश के सभी 500 और 1000 के नोटों का चलन बंद किया जाता है और निर्धारित तारीख तक जिनके पास जितने भी नोट हैं वो बैंक में जमा कराया। रातों रात देश की नींद उड़ गई। घर में रखा कैश लेकर लोग अगली सुबह से बैंकों के बाहर लाइन लगाती नजर आए। बोरियों में बंधे नोट सड़कों पर, नदियों के किनारे पड़े नजर आए। नोटों को जलाने तक की तस्वीरें सामने आई। तो वहीं घरों में महिलाओं की जमा पूंजी उनके हाथों से निकल बैंक खातों में चली गई। 132 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। लंबी लंबी लाइनें भी दिखी, लेकिन देश ने साथ दिया क्योंकि कहा गया था कि इससे काले धन पर लगाम लगेगी और लगभग 15 लाख करोड़ के आसपास का काला धन सरकार के पास पहुंच सकता है। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ? आज 5 साल पूरे हो रहे हैं तो विश्लेषण जरूरी है, क्योंकि कहा गया था कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार रुक जाएगा, लेन देन में पारदर्शिता आएगी, कैश फ्लो पर लगाम लगेगी और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिलेगा। मकान सस्ते होंगे, गरीब मजबूत होगा, काला धन वाला अमीर कमजोर होगा, अमीर और गरीब की खाई जो बढ़ गई है वो कम हो जाएगी। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ? आज बात इसी मुद्दे पर हर कोई पूछ रहा है कि नोटबंदी पास या फेल। देश को भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दीमक से मुक्त कराने के लिए एक और सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। फायदा तो है ही, नुकसान किस चीज का? इसमें नुकसान हुआ, 2 लाख रुपए के नुकसान हुआ मेरे को। नोटबंदी से सर नुकसान ही हुआ है, आम आदमी के लिए नुकसान है, जो जिनका बैंक में पहले से खाते हैं और पैसे पड़े उनके लिए तो फायदा ही है सर। बहुत गलत है, मतलब जो धन देते हैं ना वो सब चौपट हो गए। नोटबंदी होने के बाद बहुत अच्छे लेवल तक ये आतंकवाद खत्म हुआ है। नोटबंदी के 5 साल पूरे हो चुके और सच यह है कि देश बहुत आगे बढ़ चुका है। देश जहां एटीएम से पैसे निकालने की लाइन से आगे बढ़ते हुए क्रिप्टो करेंसी तक पहुंच रहा है, वहीं क्या नोटबंदी के बाद जो करेंसी करप्ट हुई थी क्या वो फिर से कैश फ्लो के जरिए अर्थव्यवस्था को दौड़ाने लगी है या फिर खुद अर्थव्यवस्था में दौड़ने लगी है? क्या नोटबंदी की उपलब्धि यही मान ली जाए कि आज गोलगप्पे की रेहड़ी से लेकर गली गली सब्जी बेचने वाला भी पेटीएम और यूपीआई का इस्तेमाल करता है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता और राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव अरोड़ा जी, वाम दल नेता भंवर सिंह शेखावत जी, फोर्टी अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह राघव जी, अर्थशास्त्री प्रोफेसर एनडी माथुर जी और चार्टेड अकाउंटेंट पंकज घिया जी, साथ में हमारे हैं साइबर एक्सपर्ट मुकेश वत्स जी। लेकिन गुलाब चंद कटारिया जी, आपके साथ में चर्चा को शुरू करना चाहूंगा। सर, क्या खोया 5 साल में यह बताने के लिए तो मेरे पास बहुत है, लेकिन 5 साल में नोटबंदी के बाद क्या पाया है देश ने यह बताने के लिए मैंने आपको जोड़ा है। सर बताइए, क्या क्या हासिल हुआ नोटबंदी से? देखो, निश्चित रूप से जो कदम देश के प्रधानमंत्री ने उठाया है वो वास्तव में देश के भविष्य को तय करने वाला एक बहुत साहसी कदम है। सबसे बड़ा है कि जो बेईमानी से कमाया हुआ अरबों खरबों रुपया बोरियों में बंद होकर तहखाने में पड़े हैं
और जिस ढंग से भ्रष्टाचार के कारण से लोगों ने बिना मेहनत के कमाया पैसा अपने घरों में डंप करके पैरेलल करेंसी के रूप में इस देश की अर्थव्यवस्था को पंगु कर रहे हैं जी, फिर इस देश में इलीगल करेंसी भी उतनी ही बड़ी तादाद में आकर के जितने भी देशद्रोही लोग हैं उनके हाथ में सारी सीमाएं असुरक्षित थी और उनके कारण से जो देश में एक तरह से अराजकता का जो माहौल बनाता, कभी बम यहाँ फटता है कभी बम वहाँ फटता है, उसके ऊपर भी एक तरह से काबू होने का प्रयास हुआ है जी। दूसरा यह है कि कम से कम वो पैसा जो बोरियों में बंद होकर के अर्थव्यवस्था को पंगु कर रहा था वो कम से कम बैंकों में आकर के बैंकों के साथ एक तरह से लेन देन के रूप में काम में आया है। और निश्चित रूप से इससे केवल उन लोगों को चोट पड़ी है जिन लोगों ने बिना मेहनत के और बिना सरकारी टैक्स दिए हुए अरबों खरबों रुपये की संपत्ति अपने तहखाने में पैक कर रखी थी, वो कम से कम बाहर आई है और उसके कारण से हर व्यक्ति को रोजगार से जोड़ने का। और सबसे बड़ा जो है, मैं कह रहा हूँ, इन आतंकवादी और पाकिस्तान की जो करेंसी आकर के हिंदुस्तान को तबाह कर रही थी, उस करेंसी पर एक तरह से रोक लगा करके देश को सुरक्षित करने का काम जो है वो देश के प्रधानमंत्री ने किया है। और गरीब को भी एहसास हुआ है कि निश्चित रूप से इन बड़े पूंजीपतियों ने, जिन्होंने बेरहमी से इस देश को भ्रष्टाचार की भट्टी में जलाकर जलाया था, वो कम से कम एक बार कम से कम उजागर होकर के बाहर आए तो वो सारा पैसा जो दबा हुआ था वो कम से कम बैंकों तक पहुंचने का रास्ता खुला और उसके कारण से पैसों का लेन देन बढ़ा है। और आज जो मैं कह सकता हूँ कि जिस प्रकार का टैक्स खजाने में आज हिंदुस्तान के खजाने में आ रहा है जी, यह पहली बार मैंने इतने सालों में देखा है कि बाकी तो सारा टैक्स की चोरी होकर के करेंसी बनने का काम करता था। ठीक है सर, अब वापस मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि मैं अभी आपको किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा क्योंकि राजीव अरोड़ा जी हमारे साथ हैं। राजीव अरोड़ा जी, उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था मजबूती, उन्होंने कहा कि जो बैंकों से बाहर बोरियों में बंद था पैसा वो अब बैंकिंग सेक्टर में आ गया, उन्होंने कहा कि आतंकवाद पर लगाम लगी, नक्सल पर लगाम लगी, उन्होंने कहा कि जो अर्थव्यवस्था को पंगु कर रहे थे उनके ऊपर करारी चोट है। सर आंकड़े मेरे पास भी, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप उनके सवालों का जवाब दें, क्या वाकई में ये सब कुछ हुआ है? विजेंद्र जी, आपने कहा था कि ये हम पास हुए कि फेल हुए, जीरो नंबर मिले हैं, माइनस के अंदर नंबर है, कंप्लीटली फेल। ये जो घोषणा करी गई ये एक तुगलक ही फरमान था। 800 साल बाद इस देश की आज़ादी के 73 वर्षों बाद में किसी भी प्रधानमंत्री ने कोई ऐसा निर्णय लिया हो जिसको विश्व के इकोनॉमिस्टों ने, रिसर्चरों ने इस बारे में प्रूव करा हो कि एक ऐसा निर्णय जिससे चलती हुई दौड़ती हुई इकोनॉमी की जो गाड़ी थी उस पर खुद ने ही गोली मार दी, उसके टायर को पंक्चर कर दिया, वो जो इकोनॉमी थी वो डीरेल हो गई। 2014 से पहले जो इकोनॉमी 10% से ऊपर तेज़ी से चल रही थी वो पिछले 5 वर्षों से सिसक रही है, आईसीयू के अंदर पड़ी हुई है। और इस नोटबंदी का सबसे बड़ा नुकसान हुआ मध्यम वर्ग को, असंगठित क्षेत्र को, हमारे घर की महिलाओं को, माताओं को, बहनों को, उनकी जो जमा पूंजी थी वो वापस बाहर निकल गई। और जो दावे करे गए थे और जो अभी कटारिया साहब बोल रहे थे आतंकवाद, वो बढ़ गया। ये वादे करे गए थे ब्लैक मनी कम होगी, वो बढ़ गई। 15 लाख करोड़ रुपए में से कुछ 10,000 करोड़ रुपया वापस नहीं आया, 97% पैसा वापस आ गया। और 10,000 करोड़ रुपया भी कोई नेपाल के अंदर, कोई इंडोनेशिया में, कोई बांग्लादेश में और कोई थाईलैंड के अंदर पड़ा होगा। सारा पैसा जो ब्लैक मनी थी, जो सारा पैसा नकली नोट थे, वो बैंकों के अंदर चले गए और वो सारे के सारे काले से सफ़ेद हो गए। ये जो सोच का जो तरीका था वो कंप्लीटली फ्लॉप हो गया। और कुछ लोगों को फ़ायदा हुआ जिनको पहले से मालूम था, उन्हें 2,000 रुपये के नोट, जैसे कटियार साहब बता रहे थे, अपने घरों में रख लिए और 500-1,000 रुपये के नोट बंद कर दिए गए। और हमने देखा कि बहुत सारे पूंजीपतियों के पास, बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंकों के पास, उन्होंने इस पैसे का दुरुपयोग करा और उसको अपने उपयोग के काम में लाया गया। मैं किसी पार्टी के नाम लेना चाहता, उन्होंने अपने कार्यालय खोले उस पैसे से। पूरे देश को मालूम है, कहा गया था कैश की जो इकोनॉमी है ख़त्म होगी, तब 14-15 लाख करोड़ रुपए चलते थे, आज की तारीख में 28 लाख करोड़ रुपए। आज सब अखबारों में लिखा हुआ है 14.5% ऑफ GDP आज कैश के अंदर चल रहा है। हम डिजिटल इकोनॉमी की बात कर रहे थे उसमें आप फेल हो गए। आप चाहते थे कैश कम चले उसमें आप फेल हो गए।
आप कहते थे कि लोगों को रोजगार मिलेगा। राजीव जी, दूसरी तरफ ये भी तो है ना कि 100 अरब के आसपास ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हुआ है, ये भी तो सच है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हुए मजबूरी के कारण। अगर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन थे तो आज 87% पैसा ज्यादा क्यों मार्केट के अंदर आ रहा है, क्यों कैश फ्लो बढ़ गया है? और पूरे दुनिया के अंदर ये जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का सिलसिला चल रहा है, आप क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया के अंदर चल रही है। आज हम भारत एक ग्लोबल विलेज के बीच में है, हम दुनिया से अलग रह के नहीं चल सकते। ये नोटबंदी के कारण नहीं हुआ, इस नोटबंदी ने इस देश को, आपके जेब में मोबाइल होना चाहिए, वॉलेट हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, आप गोलगप्पे से लेकर सब्जी वाले तक को पेमेंट कर देंगे। ये व्यवस्था भी तो सर 2016 के बाद ही आई। विजेंद्र जी, पेटीएम का विज्ञापन अगले दिन सवेरे हर अखबार के अंदर फ्रंट पेज पे छप गया। ये कैसे मालूम पड़ा? कब विज्ञापन तैयार हुआ, कब अखबारों में पहुंचा, कब छप गया? लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, पूरा देश आश्चर्य कर रहा है कि ये जो नोटबंदी करी गई क्या सोच के करी गई थी, क्या उसके उद्देश्य के अंदर सरकार पूरी हुई या खाली यूपी का चुनाव जीतने के लिए नोटबंदी को करा गया था? सारी बातें दुनिया में चल रही है, ठीक है, और 5 साल के अंदर, ठीक है, अगर सर, एक बार सारे गेस्ट को इंट्रोड्यूस कर दूं, एंडी माथुर जी, अर्थशास्त्री के तौर पर आपको क्या लगता है कि ये घाटे का सौदा रहा नोटबंदी या फायदे का सौदा रहा 5 सालों के बाद? ये मैं दो उदाहरण ऐसे दूंगा जिससे बात काफी साफ हो जाएगी। ठीक, कि जब कोई तालाब गंदा हो जाता है तो उसको साफ करने के लिए उसमें केमिकल्स डाले जाते हैं, और उसमें केमिकल्स डाले गए, लेकिन उस केमिकल का दुष्प्रभाव ये हुआ कि छोटी मछलियां तो सब मर गई, MSMEs को नुकसान हुआ, लिक्विडिटी क्रंच से वो मर गए, और बड़े मगरमच्छ जो बाहर भी जिंदा रह सकते थे पानी के, वो सब वैसे के वैसे ही वहीं रहे। सो द ऑपरेशन इज सक्सेसफुल बट द पेशेंट इज डेड, एंड वाई द ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, बिकॉज द पीपल कोऑपरेटेड विद देम, बट देन वाई पेशेंट डाइड, द पेशेंट डाइड बिकॉज इट वॉज डन एज पर द लेट डाउन प्रिंसिपल्स वर रॉन्ग। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अब इलेक्ट्रोल जो है वो बॉन्ड लाने की बात हो रही है इन्वेस्टमेंट के लिए, पार्टियों को फायदा हो और पार्टियों के बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट किया जाए। अब लिक्विडिटी क्रंच हो गया है तो अब क्रिप्टो करेंसी में लोग असेट्स में पैसा रखने लगे हैं, अगर पहले थे काला धन जो है वो कैश में रहता है, अब क्रिप्टो करेंसी में रखने लगे हैं, या अब जो है वो गोल्ड में रखने लगे हैं, असेट्स में रखने लगे हैं। तो कुल मिलाकर फायदा बड़े लोगों को हुआ है, छोटे लोगों का नुकसान हुआ है इसमें। मूल उद्देश्य इसका ये था, और बैंकों के NPA भी बढ़े हैं, और जितना ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होगा उतनी पारदर्शिता आएगी। डिजिटलाइजेशन बढ़ा है, काले धन का जनरेशन कम तो नहीं हुआ, उसको वापस भी नहीं ला पाया, लेकिन जनरेशन कम हुआ है कंपैरेटिवली पहले से, और डिजिटलाइजेशन का फायदा हुआ है, और बैंकों में लो कॉस्ट डिपॉजिट्स बढ़े हैं जो है उनकी लागत कम हुई है, और जनधन अकाउंट वगैरह जो थे इनकी वजह से भी बैंकों के डिपॉजिट्स बढ़े हैं जी। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम पलड़ा देखें पॉजिटिव और नेगेटिव का, तो बड़े लोगों को ज्यादा फायदा हुआ है, और लिक्विडिटी क्रंच की मतलब ये जो कहा जा रहा था अमीरों और गरीब की खाई कम हो जाएगी, वो और ज्यादा बढ़ गई है जी। पंकज गया जी, सर बैलेंस शीट क्या कुछ कहती है देश की? सब देश की बैलेंस शीट को अगर आप देखेंगे तो डिमोनेटाइजेशन का बहुत इफेक्ट जो हुआ वो इस तरीके का हुआ कि कोई विजुलाइज नहीं कर पाया था कि ये क्या शॉक आया। एक मोमेंट पे आपने करेंसी को बंद कर दिया, जिसके पास पैसा था उसने बैंक में जमा करा दिया, मैं खाली टैक्स के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं जी। जिसने बिक्री करी उसने बिक्री का पैसा जमा करा दिया, उनके पास 6 महीने बाद नोटिस पहुंच गए कि आपने एक दिन में इतनी बिक्री कैसे कर दी, आपने 5 दिन में इतनी बिक्री कैसे कर दी, उनका वीडियो दिखाओ, उनका चैनल दिखाओ, उनको टैली कराओ, किसको बेचा किसको नहीं बेचा उसकी चेकिंग कराओ। कई लोगों ने जिन्होंने बैंक में पैसा जमा करा दिया, और जो कहा गया था कि आप इस तारीख तक निश्चित अवधि तक बैंक में पैसा जमा करा सकते हैं, वो पैसा जब जमा करा दिया गया तो उनके नोटिसेस आए। कई रिटायर्ड आदमी थे जिनके पास सेविंग के रूप में, आज हर आदमी बैंकिंग को नहीं जानता, आज जो 50 बरस का है 60 बरस का है जो लेडी है, जो अनएजुकेटेड इलिटरेट लेडी है, वो लोग कैश रखना अपनी एक श्योरिटी समझते थे। जैसे कि पुराने जमाने में लोग सोने के कड़े चांदी के कड़े पहनते थे, वो एक उनकी सिक्योरिटी होती थी, उनकी सेविंग होती थी, और वो पैसा घर में रखते थे। अब आप उसका 5 सालों में बदला तो है ना, बदला जो उन्हीं के पास जाइए, आप सब्जी मंडी में जाइए सर, नहीं जो आप ये समझिए, और जो आप छोटी छोटी सब्जियां लेकर बैठे हैं वो पेटीएम एक्सेप्ट करते हैं, यूपीआई एक्सेप्ट करते हैं। आपका कहना ये है कि अगर ये डिमोनेटाइजेशन नहीं होता
तो ये पेटीएम नहीं चलता। आपका कहना ये है कि ये यूपीआई या आईडी से जो पेमेंट हो रहा है कि क्या कैशलेस से हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की तरफ गए हैं, जो इसका मूल उद्देश्य था। प्रोग्रेस जो है डिजिटलाइजेशन, ये इररिवोकेबल है, ये ऑटोमेटिकली होती रहेगी। आप कोई एक्शन करें कि नहीं करें जी। और डिजिटलाइजेशन जैसा कि अभी बताया गया, डिजिटलाइजेशन हमारे यहाँ नहीं हो रहा, वर्ल्ड ओवर हो रहा है। हर जगह मोबाइल में वॉलेट आ गया है, हर जगह क्रिप्टो करेंसी आ रही है। दिक्कत यह है, मैं जो टैक्स की आपको इफेक्ट्स बता रहा हूँ, आज भी हम अपील फाइल कर रहे हैं, हंड्रेड ऑफ केसेस ऐसे हैं जिन्होंने पेंशन लेडी है या विडोड लेडीज हैं या ओल्ड पर्सन हैं, जिन्होंने अपना पैसा 5 लाख 10 लाख 15 लाख रुपये उन्होंने जमा कराया, उनको नोटिस आ रहे हैं और वो फाइट कर रहे हैं हम जी। उनका जस्टिफिकेशन क्या दें? ये चीज सर, मैं तो देखिए देश के पर्सपेक्टिव में आपसे एक लाइन में समझना चाह रहा हूं कि जो ये कहा जा रहा था कि घरों के अंदर काला धन बंद है, वो अब व्हाइट मनी के तौर पर, एक बार मान लूं कि वो बैंकिंग सेक्टर का हिस्सा हो गया, क्या इसे देश में टैक्स बढ़ा है, क्या उससे जेब में 2 पैसे ज्यादा आए सरकार के, ये जानना चाह रहा हूं। देश में टैक्स की आप कंपाउंडिंग रेट देखिए, देश में टैक्स का आप कंपाउंडिंग रेट देखेंगे तो कितना कंपाउंडिंग रेट से टैक्स बढ़ा है, आपको यह फिगर देखना पड़ेगा जी। आपको जो फिगर आप देखेंगे तो फिगर हमारा, अगर एवरेज फिगर देखेंगे तो एवरेज फिगर 15-20% का इंक्रीज है, और वो नॉर्मल इंक्रीज है जो चलता जा रहा है, ठीक है। आज ऐसा कोई इंक्रीज नहीं आया कि 2016 में जंप डीमोनेटाइजेशन के बाद 100% टैक्स बढ़ गया, ठीक है। धीरेन्द्र सिंह जी, बाकायदा रिसर्च होती है, आपने भी 5 साल का एनालिसिस किया होगा, 40 ने भी एनालिसिस किया होगा, इन 5 सालों के अंदर उद्योग धड़ाम से नीचे पड़े हैं या संभल संभल कर ऊपर बढ़ गए हैं? नहीं, ये दोनों बातों से मैं सहमत नहीं हूँ, ना तो संभल संभल के ऊपर बढ़े हैं ना धड़ाम से नीचे पड़े हैं। प्रधानमंत्री जी की जो इच्छा थी वो पूर्णतया इसमें पूरी नहीं हुई, उन्होंने काफ़ी कम इसमें जो आंकड़े थे वो हासिल किए। ये भी नहीं कहा जा सकता कि नोटबंदी पूर्णतया फेल थी, उससे कई सारे सेक्टर को रोक मिली है, जैसे आतंकवाद को रोक मिली है, इंटरनेशनल जो फंडिंग हो रही थी टेरर फंडिंग उसको रोक मिली है। हम ये कह सकते हैं कि इसमें नोटबंदी का जो डिसीजन था प्रधानमंत्री जी का, वो बिना मैनेजमेंट का डिसीजन हो गया, जिसमें प्रधानमंत्री जी को मुंह की खानी पड़ी। और उनका जो उद्देश्य था नोटबंदी से पूरा काला धन खत्म करने का, पूरा टेरर फंडिंग खत्म करने का, पूरे देश को डिजिटल करने का, वो 100% पूरा नहीं हो पाया। हाँ, मैं इस बात से एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जहां वैश्विक दौर पे पूरे विकसित कंट्री, जो विकसित अपने आप को विकसित कहते हैं, वो एक पैरेलल अर्थव्यवस्था जो हमारी चल रही थी कैश की, उसके बावजूद हम पूरे वैश्विक मंदी में भी मजबूत अर्थव्यवस्था के तौर पर हिंदुस्तान खड़ा रहा, लेकिन प्रधानमंत्री जी के एक फैसले ने MSME सेक्टर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। और इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी या उनकी सरकार या भारत सरकार दबे मन से इस चीज को मानते भी हैं, चाहे चैनल पे आके कोई भी पार्टी के प्रतिनिधि कुछ भी कहें, लेकिन व्यापारियों की तरफ से मैं मानता हूं कि नोटबंदी 50% सही और 50% गलत थी। ये तो पॉलिटिकल बयान हुआ सर, ये 40 का बयान नहीं हो सकता। नहीं नहीं, ये 40 का नहीं, पॉलिटिकल है सर, आप ना इधर रहना चाह रहे हैं ना इधर रहना चाह रहे हैं। नहीं नहीं, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति पे कोई शक नहीं करना चाहता, क्योंकि उन्होंने जितने भी डिसीजन लिए हैं वो बहुत ही अच्छे लिए हैं सर। जो हाँ, लाइनों में खड़े हुए थे इच्छा शक्ति के साथ, उनकी डेथ हुई है उसी इच्छा शक्ति की वजह से सर। वो कोई भी कारण हो सकता है, आप खुद मान रहे हैं MSME जो सबसे बड़ा तबका था वो बर्बाद हुआ है। बर्बाद हुआ है, लेकिन उसके बाद में कई चीजें प्लस भी हुई है, डिजिटलाइजेशन प्लस हुआ है, टेरर फंडिंग प्लस हुई है। मैं आपको आंकड़ा देता हूं सर, 8 नवंबर 2016 वो तारीख थी जिस दिन नोटबंदी हुई थी, और उससे 18 नवंबर 2017 एक साल के अंदर आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूं, 250 नक्सली हमले हो चुके थे उस दौरान, 250 नक्सली हमले, 56 बारूदी सुरंग में विस्फोट हुआ था, 69 जवान शहीद हुए थे, 86 भारतीय नागरिक मर गए थे। और ये वो एक साल है जिसमें आप ये कह रहे हैं कि पूरा फंडिंग रुक गया है? आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये भारत आजाद होने के बाद में लगातार इस तरह के हमले होते रहे। मैं तो आंकड़े बता रहा हूँ। नहीं, आप आंकड़े बता रहे हैं, लेकिन इससे अग्री करे ना करे मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता सर। नहीं नहीं, मैं एक साल की बता रहा हूँ जिसमें कहा गया था कि नोटबंदी से कमर टूट गई है। हिंदुस्तान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण के बाद आज तक एक भी आतंकवाद अंदर हुआ है या कोई भी बम विस्फोट अंदर हुआ है जी?
इससे पहले लोग पाकिस्तानी और हमारे जो इंटरनेशनल दुश्मन है जो अंदर आके जो हमले करते थे, बम विस्फोट करते थे, इस तरह के आज ये नोटबंदी की उपलब्धता है, ये नोटबंदी की उपलब्धता है। मैं नोटबंदी की स्पेशली उपलब्धता नहीं कह सकता, लेकिन प्रधानमंत्री की मजबूत इच्छा शक्ति जिसपे पूरा विश्व आज भारत की तरफ देख रहा है। मैं नोटबंदी पर जिक्र कर रहा हूँ, उसके साइड इफेक्ट और उसके इफेक्ट पर जिक्र कर रहा हूँ मैं। मेरा मानना यह है कि आपके पास आऊंगा सर, वापस मैं आऊंगा। भंवर सिंह शेखावत जी, सर वामदल वैसे भी दो अलग अलग चश्मे से देखता है, बीजेपी को बहुत ही अलग चश्मे से देखता है। इसमें तो आपको बहुत सी ऐसी चीजें नजर आई होगी वामदल को कि ये तो एक ऐसा विस्फोट हुआ जिसने अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया हो, या आपको लगता है कि बेहतर हुआ नोटबंदी हुई, कम से कम सारा पैसा फ्लो के अंदर आया, सिस्टम के अंदर आया और उस पर पारदर्शिता बढ़ी, कैश फ्लो बढ़ा। देखिए आप जो चर्चा कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा पांच बिंदुओं को लेकर इन्होंने ये नोटबंदी की जी, जो एक नासमझीपूर्ण एक अविवेक व्यक्ति का निर्णय था जिसने अपनी तुगलकी फरमान के जरिए देश में रात को 8 बजे घोषणा कर दी, 12 बजे गलती बताइए ना सर। वो बता रहा हूँ मैं, एक एक करके व्यक्ति मैं वही बोल रहा हूँ, जो निर्णय लिया वो बहुत गलत था। नंबर एक इसमें यह था कि काला धन समाप्त होगा, लेकिन आप देखेंगे काला धन समाप्त देश में नहीं हुआ, काला धन आज भी यथावत है। 8 लाख करोड़ रुपये सन 2017 के अंदर ट्रांजेक्शन में थे, आज है 28 लाख करोड़ से ऊपर करेंसी ट्रांजेक्शन में। आप कह रहे हो कि कैश फ्लो घटेगा, यहाँ कैश फ्लो 10 लाख करोड़ से ज्यादा बढ़ा है ये नोटबंदी होने के बाद में। दूसरा आतंकवादी घटनाएं लगातार बढ़ी है 16 के बाद में, ये धारा 370 जब डिप्लॉय किया उन्होंने वहां बहुत बड़ी फोर्सेज को, जब उन्होंने इस्तेमाल किया बहुत बड़ी सेना वहां भेज दी, पैरामिलिट्री फोर्सेज भेज दी, उसके बाद में हमारी बॉर्डर पे बहुत ज्यादा जो है चौबंद हुई, उसकी वजह से जो हुआ ना कि नोटबंदी की वजह से। तो दूसरा कारण भी था वो असफल रहा है कि साहब इससे आतंकवाद रुकेगा, आतंकवाद नहीं रुका, नोटबंदी से उनका उद्देश्य था आतंकवाद रुकेगा। तीसरा सुनिए, 370 और नोटबंदी में मैं ये कह रहा हूँ धारा 370 के बाद आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है, ना कि पहले कमी थी, क्योंकि वहां डिप्लॉयमेंट बढ़ा है सेना का, इस वजह से वो है काउंटर होने लगे, एनकाउंटर होने लगे लगातार, उससे आतंकवादियों को पीछे हटना पड़ा है, क्योंकि वहां सेना बहुत ज्यादा लगी है, जिसको आज की तारीख में मीडिया को भी दिखाने की हिम्मत नहीं है। धारा 370 के बाद में आप लोग भी वही दिखाते हैं, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, चश्मा नहीं है, ये हकीकत है। वहां हालत जो है उनको आपने कभी नहीं दिखाया सर, वो आपने कभी नहीं दिखाया कि वहां की हालत क्या है, ये समझने की बात है। जहां तक आप कह रहे हैं कि ये 99.3% नोट वापस आ गए, और आज भी नेपाल में, भूटान में और पड़ोसी देशों में भारत के नोट जहां प्रचलन में थे वो रखे हुए, वहीं वो आए नहीं है। बीजेपी के नेताओं ने बहुत बड़ा 1 करोड़ के पीछे 60 लाख का भुगतान किया है, बहुत से नाम आए थे मीडिया में, लेकिन आपने बाद में दबा दिया मीडिया वालों ने, तो वो पैसा कमाया बीजेपी के लोगों ने इसके अंदर, काला धन उन्होंने 2 नंबर का 1 नंबर में किया है। ये पूछ रहा हूँ कि क्या पाया आप, एक पार्टी के पीछे हाथ धोकर पड़ गए, पार्टी देश ने क्या पाया ये बताइए। देश ने कुछ भी नहीं पाया इससे, मैं आपको बता रहा हूँ कुछ नहीं पाया, क्या पाया मुझे बताइए, ना आतंकवाद रुका इससे, ना तो इससे आतंकवाद रुका है, ना काला धन, ना कैश फ्लो रुका है, यहाँ कैश फ्लो 10 लाख करोड़ से ज्यादा बढ़ा है, इसी तरह से आतंकवादी घटनाएं भी नहीं रुकी। मैं एग्री कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बताइए ना, ये तो सच है ना सर, आप 2016 में आप ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार में भारत का स्थान बढ़ा है कि भारत भ्रष्टतम देशों में बढ़ा है जी, आपको बता दूं मैं 2016 में जो हमारी रैंकिंग थी उससे ज्यादा, ये रिपोर्ट इंटरनेशनल रिपोर्टिंग है, किसी की तो रिपोर्ट होगी ना सर। अरे 86 हम जो अब 86 नंबर पे आ गए भ्रष्टतम देशों में, हमारा नंबर पहले 76 था। रिपोर्ट किसकी है मैं पूछ रहा हूँ, आप सोशल मीडिया से कुछ पढ़ेंगे थोड़ी ना, मैं उसको सब करूंगा, सोशल मीडिया मुझे बताइए किसकी रिपोर्ट, इंटरनेशनल जो रैंकिंग आ रही है उसके अपने देश को दे रहा हूँ। दरअसल 2016 में यूपीआई को इंट्रोड्यूस किया था, हकीकत यह है कि आज अक्टूबर तक का आंकड़ा, अक्टूबर 2021 तक का आंकड़ा $100 अरब को पार कर गया है यूपीआई मोड से ट्रांजेक्शन। आप समझा रहे हो उसको भी समझ लीजिए, वो क्या होता है 1 करोड़ रुपया 10 आदमी के पास चले गया, वो 10 करोड़ गिनते हो आप जी, अरे है तो 1 ही करोड़, एक नोट 10 करोड़ ट्रांजेक्शन करेगा वो भी तो कैश फ्लो का हिस्सा है, गिन रहे हो ना उसको, रोटेशन चल रहा है, एक से दूसरे के जेब में जाकर रुक गया, नहीं है 100 करोड़ तो करेंसी नहीं है जी, नहीं ना व्यापार है 100 करोड़। साइबर एक्सपर्ट है मुकेश चौधरी जी, मुकेश जी सवाल यह है कि एक तरफ कैश फ्लो बढ़ा है तो इसको हम उपलब्धि माने, तो सवाल यह भी खड़ा होता है कि इस कैश फ्लो के साथ साइबर क्राइम में 200% का इजाफा हुआ है, और वो इजाफा जिसमें जो साइबर क्राइम करने वाले हैं वो पकड़ने में ना मात्र आते हैं, तो क्या ये एक बड़ा फेलियर साथ में लेकर आए इस उपलब्धि के साथ?
टेक्नोलॉजिकल मैं बहुत बड़ा फेलियर मानूंगा ये गवर्नमेंट का, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि उनके पास में जो टेक्निकल एडवाइज़र्स थे उनकी टीम सही नहीं थी, या जिन्होंने भी उनको टेक्निकली एडवाइस दिए उनको खुद को नो हाउ प्रॉपरली नहीं था, क्योंकि उन्होंने ये नहीं सोचा कि क्या इसके रिजल्ट्स हो सकते हैं। उस तरफ अगर जाएं एग्जांपल के लिए, तो अगर मैं अच्छे दिन की बात करूं तो यहाँ पे वैसे पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है ये, बट अगर अच्छे दिन की बात करें तो साइबर क्रिमिनल्स के अच्छे दिन जरूर आए हैं, क्योंकि साइबर क्रिमिनल्स अगर आपने जो अभी एग्जांपल लिया था कि 100 अरब डॉलर जो है उसका यूपीआई का ट्रांजेक्शन हुआ है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन है जो फ्रॉडस्टर्स ने, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये बोला कि आपका कैश हम अकाउंट में कन्वर्ट करवा देंगे, डिजिटल मनी में कन्वर्ट करवा देंगे, फ्रॉडस्टर ने ये बोला कि डिजिटल तो हम रहने नहीं देंगे, अकाउंट आपका खाली कर देंगे। तो अल्टीमेटली जो एक मिडिल क्लास पर्सन है या अपर मिडिल क्लास भी है, उनके अकाउंट में भी पैसा सुरक्षित नहीं है। अब हमारा अगर लिटरेसी रेट देखें एक तो कंट्री का, वो इतना अच्छा नहीं है। दूसरी बात है, अगर मैं साइबर लिटरेसी की बात करूँ तो मोर देन 90% जो है वो साइबर लिटरेट नहीं है। तो मोर देन 90% पॉपुलेशन अगर कंट्री की साइबर लिटरेट नहीं है, जो साइबर सिक्योरिटी को समझती नहीं है, ना हमारे लोअर एजुकेशन में ये पढ़ाया जाता है, ना हमारे हायर एजुकेशन में ये पढ़ाया जाता है जी, तो अगर स्कूल में नहीं पढ़ाते, यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाते, घर में जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको नहीं पता, समझू कि जेब से सरकार ने पैसा ले लिया और अकाउंट से साइबर क्राइम वालों ने पैसा ले लिया, तो बिल्कुल ये इसका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उस ट्रांजेक्शन के अंदर जो ऑनलाइन फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन है उसका नंबर आपको कभी मिल भी नहीं सकता है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ केसेस जो हैं वो एफआईआर में कन्वर्ट नहीं होते जी। तो हमारी जो प्रिपेयर्डनेस है, एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं कि जैसे ही नोटबंदी हुई तो कॉल कैसे आने लग गए, ऐसे कॉल आए, एक सिपाही था जो जम्मू में पोस्टेड था, उसकी वाइफ को कॉल आया कि जो सरकार ने आपको 1,500,000 रुपए देने का वादा किया था, अब कुछ लोग इस कंसेप्शन था या मिसकंसेप्शन था कि ऐसा पैसा मिलेगा हमें, काफी लोगों को लग रहा था कि हमें पैसा मिलेगा, ऐसा बिलीफ में थे वो जी। तो उनको बोला कि आप अपने अकाउंट की डिटेल शेयर कीजिए, कार्ड की डिटेल शेयर कीजिए, जो हमने काला धन लिया है आपके खाते में डालेंगे जी। अब उन्हें ये समझ ही नहीं थी कि क्या डिटेल शेयर करनी चाहिए, और उनके खाते में जो था वो भी चला गया, वो भी चला। उसके बाद में जो लोग, काफी लोग को क्योंकि कैश नहीं था, पेटीएम से पे करते थे या और डिजिटल वॉलेट से पे करते थे, जो फ्रॉडस्टर्स ने फेक एप्लीकेशन बनाई, पेट्रोल डलवाया, डीजल डलवाया गाड़ी में, और फेक एप्लीकेशन से एक ट्रांजेक्शन का नोटिफिकेशन शो कर दिया, देखो ट्रांसफर हो गए, वो सच में ट्रांसफर होते नहीं थे जी। अब जो पेट्रोल पंप जो ओनर्स हैं या जो वहां पे जो वर्कर्स हैं, वो प्रिपेयर्ड ही नहीं है कि ऐसा फ्रॉड भी हो सकता है जी। तो पिछले कुछ सालों से हम सिर्फ यही देख रहे हैं कि कब कौन सा नया फ्रॉड आएगा और कब हमारे खाते से पैसे चले जाएंगे जी। ठीक है गुलाबचंद कटारिया जी, सर माफी चाहूंगा, लंबे वक्त के बाद मैं आपके पास वापस लौट रहा हूं, क्योंकि मुझे लगा कि एक बार सबसे बात कर ली जाए ताकि आप तक पता चले कि सब सोच क्या रहे हैं। सर अब एक एक बिंदु पर बात करेंगे। सर क्या वाकई में आपको लगता है कि इसकी वजह से सिस्टम में जितना काला धन आना चाहिए था सच में आ गया, क्योंकि सिर्फ 10,000 करोड़ को छोड़ दिया जाए तो वाकई सारा बैंक में आ गया था, काला धन कहीं नहीं था, सबने वाइट कर दिया था, ये कैसी उपलब्धि थी? देखो मैं सोचता हूँ कि जो पैसा डंप पड़ा था, चाहे किसी अधिकारी के कारण से पड़ा था या किसी ने इलीगल ढंग से जो पैसा कमा करके मनी को रोक रखा था, वो मनी कम से कम सर्कुलेशन में आई है जी, और वो बैंक के अंदर पहुंची है, तो उसके कारण से सर्कुलेशन जो है वो निश्चित रूप से बढ़ा है। जहाँ तक साइबर क्राइम का सवाल है, साइबर क्राइम निश्चित रूप से जो एक्सपर्टाइज चाहिए हमारी इस में अन्वेषण के बारे में, वो हमारी पुलिस की टीम भी इतनी परफेक्ट नहीं है कि वो साइबर क्राइम को बहुत ही अच्छे ढंग से उसका वो विश्लेषण कर सके, तो उसमें समय लगेगा। निश्चित रूप से इस ट्रांजेक्शन के कारण साइबर क्राइम बढ़ा है, इसको कोई नकार नहीं सकता, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि इसकी तुलना आप 14 से करिए कि आज 21 में 14 की तुलना में आर्थिक दृष्टि से हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है, क्या उसकी स्थिति है जी। जो जीडीपी ग्रोथ जो अपन एकदम बिल्कुल नीचे माइनस तक आ रहे थे, आज की तारीख में वो जीडीपी ग्रोथ अमेरिका रूस जैसे देशों से भी भारत की जीडीपी जो है वो बढ़ रही है जी। तो एक तरह से सर, और ये बात तो दुनिया मानेगी कि भारत की जीडीपी 2011-12 में 5.2 थी, 16-17 में 8.3 थी, उस दौर में जब नोटबंदी की गई थी 8.3 थी, 19-20 में जीडीपी धड़ाम पड़ी और 4% पे पहुंच गई, ये नोटबंदी की उपलब्धि थी सर? निश्चित रूप से, लेकिन आज की जीडीपी से तुलना करिए, इस कोरोना के महाकाल के बाद भी आज की तारीख में हिंदुस्तान ने जिस प्रकार से जीडीपी को ग्रोथ दी है और जो हमारा आर्थिक ढांचा जो आज की तारीख में तैयार, आज मैं नोटबंदी पर बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि 2016-17 में 8.3% थी जीडीपी,
जब नोटबंदी की गई और 19-20 में जीडीपी 4% के आसपास थी, यानी कि आधी आ गई थी, ये क्या नोटबंदी की उपलब्धि थी जिसने जीडीपी को आधा कर दिया? आज ऐसा है कि वो कोरोना का महाकाल था, जिसके कारण से आज की तारीख में मैं बताइए कि दुनिया में हिंदुस्तान की जीडीपी नंबर वन पे जा रही है कि नहीं जा रही है? सर ये पता नहीं, लेकिन हाँ ये जानता हूँ आज हिंदुस्तान की जीडीपी नंबर वन पे जा रही से आगे है, ये मैं जानता हूँ सर। बांग्लादेश भी हमसे आगे है। मैं सोचता हूँ कि देखो जो कॉमन आदमी जिसके पास 500 रुपए का नोट था, इतना बड़ा कदम लेने के बाद भी हिंदुस्तान में अमन चैन और शांति बनी रही, हर व्यक्ति ने एक तरह से इसको मन से स्वीकार किया और उसके कारण से देश इतने बड़े और संकट से गुजर करके भी देश खड़ा रहा, देश की इतनी बड़ी पॉपुलेशन ने इस निर्णय को स्वीकार किया, नहीं तो मैं सोचता हूँ शायद क्रांति हो जाती, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों ने इसको खड़ी हो गई जनता, जाकर गरीब जनता कोई हथियार थोड़ी ना उठा लेती जनता सर। एक और आगे मैं सर दे रहा हूँ, क्योंकि एमएसएमई का टाइगर भी बनाया गया और बहुत सी चीजें बनाई गई थी, लेकिन आंकड़ा मैं दे रहा हूँ आरबीआई की तरफ का आंकड़ा है गुलाब साहब, आरबीआई का आंकड़ा है, नवंबर 2016 में नोटबंदी के बाद छोटे उद्योगों का लोन डिफॉल्ट दोगुना हो गया, जो बेचारे छोटे छोटे कारोबार कर रहे थे दोगुना डिफॉल्टर हो गए थे सर, ये भी उपलब्धि थी क्या नोटबंदी की सर, जिस एमएसएमई के जरिए भारत को खड़ा करने की बात की गई, जिन्होंने एमएसएमई के जरिए रोजगार तलाशा, सब डिफॉल्टर हो गए। देश होते हुए भी मैं सोचता हूं कि इतने बड़ा चेंज होने के बाद भी देश की जनता ने घंटों लाइन में खड़े रहकर के भी हिंदुस्तान की अमन चैन और शांति को बनाए रखा नहीं रखा, लोगों ने इसे मन से स्वीकार किया कि नहीं किया? मैं सोचता हूं गरीब और अमीर के बीच की जो खाई थी वो निश्चित रूप से भरी है, हर व्यक्ति के पास 500 रुपए का नोट था, हर व्यक्ति के पास, जब मुरारजी ने बंद किया था तब बड़ा नोट कुछ लोगों के पास था, अब की बार ये 500 का नोट एक फूल बेचने वाली मालन के पास भी था, उसके बाद भी देश की जनता ने इसको स्वीकार करके और इस कदम को आगे बढ़ाया है। जो आतंकवादी घटनाएं जितनी पहले, अगर ये अजमेर में बम फटता था, कभी जयपुर में फटता था, कभी बस में फटता था, सर कोई रेफरेंडम हुआ इसको लेकर कि भाई सबने स्वीकार कर लिया है, बंद किया गया उसके बदले 3,00,000 करोड़ रुपए का देश का भट्टा आपने ही बैठाया, 3,00,000 करोड़ रुपए लगे छपने में और उनको ट्रांसपोर्ट करने में, ये किसका फायदा किया आपने? 10,000 करोड़ के लिए मैं सोचता हूँ बेईमानों को चोट करने के लिए अगर घाटा भी देश बर्दाश्त करे ना कोई चिंता नहीं, जिन्होंने पैसों को डंप कर रखा है, आप लोग उनकी वकालत कर रहे हो जिन्होंने बेरहमी से पेश को लूटा है ना, जिन्होंने 60 साल तक इस देश को लूटा है, उन लोगों के ऊपर चोट पड़ी है, इसलिए आपको कुर्बला रहा है। सच में उस गरीब ने स्वीकार किया, जो गरीब आज इस कष्ट को भुगत रहा है, इस बात को स्वीकार करिए। ठीक है सर, हमारे साथ मुकेश चौधरी जी हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं, वो आपसे कोई सवाल करना चाह रहे हैं। मुकेश जी, सर जो मेन इसके अंदर रीजन था नोटबंदी के पीछे वो था ब्लैक मनी जी। अब ब्लैक मनी को कैश से अगर अकाउंट में कन्वर्ट कर लेते हैं या डिजिटल फॉर्म में कर लेते हैं, अगर सोच ये थी कि उसको डिजिटल मनी में कन्वर्ट करेंगे जी, तो अब वो डिजिटलाइज जो है वो क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट हो गया। क्रिप्टो करेंसी को लेके तो कंट्री की प्रिपेयरनेस ही नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर एक बार ट्रांसफर हो गया फिर कौन किसको कहां कितना ट्रांसफर कर रहा है, इसको तो ट्रैक करने के लिए भारत सक्षम ही नहीं है, ना कोई देश सक्षम है। क्रिप्टो में चेंज हो रहा है जी हाँ, आप क्रिप्टो करेंसी की, आप बिटकॉइन की या किसी भी क्रिप्टो करेंसी की आप कन्वर्जन रेट देखिए, आप उसकी वैल्यू देखिए, डीमोनेटाइजेशन के बाद में जितना वो हाई गया है और आज की तारीख में जितना हाई जा रहा है, उसके अंदर इंडिया का डीमोनेटाइजेशन एक बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है गुलाब जी, जवाब दीजिए सर, इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? कितना गुना बढ़ी है गुलाब जी? देखो मैं सोचता हूं कि जिस प्रकार से कदम उठाया है, इतना सख्त कदम था, इसको ठीक तरह से सब प्रकार से लाने में कुछ समय जरूर गुजर सकता है, लेकिन ये बात निश्चित रूप से है कि हर व्यक्ति इस बात को ऐसा लगा रहे थे वो अब काला धन क्रिप्टो करेंसी में चेंज हो रहा है, हम तो उनको नहीं पकड़ पा रहे जो छोटे छोटे फ्रॉड करते हैं, क्रिप्टो का मैकेनिज्म तो कहां से बनेगा? अरे नोटबंदी के बाद में मैं आपको बताना था, माथुर जी कुछ मैं आपको कह रहा हूं कि नोट ज्यादा पकड़े गए हैं, बहुत जी वक्त जब कमी है। एंडी माथुर जी सर आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं,
गुलाब जी, डिमोनेटाइजेशन का जो बेसिक उद्देश्य था वो काला धन खत्म करने का था। कटारिया जी का ये कहना है कि काला धन जो है वो सिस्टम में आ गया, सिस्टम में आने से सफेद हो गया जी। तो काले धन को सफेद करना हमारा उद्देश्य नहीं था, खत्म करना। करेंसी जिस प्रकार से आ रही थी आपने सिस्टम में ला दिया उसको, क्या ये योजना सिस्टम में लाने की थी? काला धन जो है वो व्हाइट मनी। गुलाब जी, कटारिया जी, सर एनडी माथुर जी ये कह रहे हैं कि मकसद ये था काला धन को खत्म करना, आप ये कह रहे हैं कि 99% सिस्टम में आ गया, तो क्या मकसद ये था कि ब्लैक मनी को व्हाइट किया जाए? देखो देखो क्या है कि जो फर्जी करेंसी देश की अर्थव्यवस्था का पैरेलल अर्थव्यवस्था बन गई थी, उस फर्जी करेंसी के ऊपर एक बहुत बड़ा रोक लगा और उसके कारण से जो देशद्रोही शक्तियां इस फर्जी करेंसी के माध्यम से देश को कमजोर कर रही थी। ठीक है गुलाब जी, ये कह दे हम कि भाई ब्लैक मनी जो बाहर हुआ करती थी वो बैंकिंग सेक्टर में आकर व्हाइट हो गई है, ये कह दे हम, हुआ भी यही है। देखो मैं सोचता हूँ वो ब्लैक मनी जो है ना किसी गरीब के द्वारा अगर मान लो आई है तो कम से कम जो है ना बोरियों में बंद थी वो बोरियों से बाहर निकल करके जो गलत इस देश की इकोनॉमी को चला रहे थे पैरेलल, उनके ऊपर चोट पड़ी है। आज कम से कम वो सारी मनी सर्कुलेशन में आने से जी उन लोगों से तो निकला है। मैं बताता हूँ आपको, ठीक है देना। हाँ तो क्या हर जाए, कम से कम वो सर्कुलेशन में तो आएगा पैसा। ब्रिंकिंग ब्लैक मनी फेज, स्टॉपिंग बैंक फ्रॉड फेज, डिजिटल इकोनॉमी फेज, रिड्यूसिंग कैश इन सर्कुलेशन फेज, मेक इन इंडिया फेज, रिवाइजिंग इकोनॉमी रिवाइविंग इकोनॉमी फेज, जेनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट फेज, पता लगेगा लोअरिंग यूएस डॉलर INR रेशियो फेज, कीप इन पेट्रोल डीजल की कहता हूँ दुनिया जान रही है डीजल की कीमत फेज, सारा दुनिया जान रही है कि भारत ने क्या किया, सारा दुनिया अच्छी खबर दी आपने, कहा कि कुछ दिन के बाद पता चलेगा क्या हुआ। सर कुछ दिन के बाद क्या पता चलने वाला है हमें? चुनाव होने वाले, 5 साल हो गए चुनाव होने वाले। देखो भारत की इकोनॉमी कितनी मजबूत है ये तो दुनिया के सारे देश भारत की तुलना कर रहे हैं, सारे अर्थशास्त्री इस बात की तुलना कर रहे हैं। भारत ने जिस प्रकार से अपना ग्रोथ किया है वो सारी दुनिया आज इस बात को मान रही है। केवल एक क्षेत्र में नहीं, हमने हर क्षेत्र में भारत को सशक्त किया है, आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया है। आज हर व्यक्ति को दुनिया में ये एहसास होने लगा कि भारत भी कोई चीज है जी, और भारत की भी कोई कीमत है। सर भारत तो हमेशा से रहा है सर, रहने के बाद भी भारत को भारत नहीं बना सके, इन्होंने इस कठोर कदमों के आधार पर आज देश को इस स्थान पर लाए जी। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा, वापस मैं आपके पास आऊंगा। वो दुनिया की, ठीक है मुकेश, आपको लगता है कि एक नया करप्शन का जरिया जो साइबर स्टाइल में हो रहा है, चाहे आप उसको क्रिप्टो कहिए बाकी चीजें कहिए, क्योंकि यहां तक भी कहा गया था कि स्विस पर हम कंट्रोल करेंगे, वहां का काला धन लेकर आएंगे, स्विस से तो नहीं आया, क्रिप्टो के जरिए फिर वापस जाने लग गया। बिल्कुल, यहां पे क्रिप्टो करेंसीज में देखो, एक तो जो बिलीफ है क्रिप्टो करेंसी में उसका रीजन ये भी है कि जो करेंसीज रेगुलेटेड नहीं है, कोई उसे रेगुलेट नहीं करता जी, इस सिस्टम पे लोगों का बिलीफ बढ़ गया कि कल को पता नहीं कौन अगली बार कब कौन सा नोट बंद हो जाए। एक ये फियर भी है लोगों में कि ऐसी करेंसी में हम अपनी करेंसी को कन्वर्ट कर लें जिसको कोई रेगुलेट नहीं करता, कल को कोई खड़ा होगा ये नहीं बोलेगा आज से ये बंद जी। तो जैसे बिटकॉइन है तो बिटकॉइन को रेगुलेट नहीं करता कोई, तो इसलिए उसके ऊपर ट्रस्ट इसलिए भी बढ़ा। क्या नोटबंदी के बाद काले धन के लिए एक नई विंडो ओपन हुई है जिसके जरिए काला धन कमाया जा रहा है, या फिर जो काला धन अपने पास है उसको इन्वेस्ट किया जा रहा है? डेफिनेटली आप अगर किसी भी क्रिप्टो करेंसी का ग्राफ देखेंगे, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ उसके कुछ महीनों में जो आप तेजी देखेंगे उसके अंदर, और एकदम से अगले साल तक जो उसने हाई कर लिया जी, ये बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रोथ है, उससे पहले उसकी ग्रोथ इतनी फास्ट होती नहीं थी जी। ठीक है राजीव अरोड़ा जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा। सर इन 5 सालों में कुछ तो ऐसा रहा होगा जो नोटबंदी की वजह से अच्छा हुआ होगा, क्योंकि आपने 10 बिंदु तो वो गिना दिए जिन पर सरकार फेल रही आपकी नजर में, कांग्रेस की नजर में, कुछ बेहतर भी तो हुआ होगा सर? बहुत बेहतर हुआ, जनता को मालूम पड़ गया कि इस सरकार की नीति और नीयत गलत है। ये जो कटारिया साहब बोल रहे थे ये निर्णय लिया और लोग लाइन में खड़े रहे, इस निर्णय लेने की आवश्यकता क्या थी? कौन सी देश के सामने आपातकाल की स्थिति थी कि प्रधानमंत्री जी को निर्णय लेना पड़ा?
क्या नई चीज़ हो रही थी जिसकी वजह से वो रुक गई हो। निश्चित रूप से लोगों को मालूम पड़ा कि इस देश के अंदर जो लोग शासन कर रहे हैं उनके देश की इकोनॉमी के बारे में कम से कम जानकारी है। आने वाला समय जो है इसको एक बहुत बड़ी भूल बताएगा, इतिहास के पन्नों के अंदर ये एक खतरनाक भूल इस देश की सरकार के द्वारा करीब लिखी जाएगी। सर इतिहास के पन्नों में तो लिखी जा चुकी है लेकिन भूल है उपलब्धि ये कहना थोड़ा मुश्किल है। एंडी माथुर जी फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा सर, और सवाल ये कि जब इस तरीके के फैसले लिए जाते होंगे ऐसा थोड़ी ना होगा कि सुबह उठकर चलो तैयार किया कि रात को 8 बजे बंद करेंगे, बाकायदा एक प्लानिंग होती होगी, एक्सपर्ट होते होंगे, एक डाटा तैयार होता होगा कि भाई अगर हम ऐसा करेंगे देश को इतना फायदा होगा और ये समस्याएं आएंगी। ऐसा प्लानिंग हुआ भी होगा डेफिनेटली की गई होगी और पर्दे के पीछे की गई होगी, हमें इसकी जानकारी नहीं है जी, लेकिन निर्णय की घोषणा ऐसे ही की जाती है। और मैं राजीव जी की इस बात से तवारुक नहीं रखता कि नीति गलत है या नियत गलत है, मैं कहता हूं कि नीति और नियत तो सही थी लेकिन सफलता नहीं मिली, जो अपेक्षित सफलताएं थी वो अपेक्षित सफलताएं नहीं मिली, लेकिन डिजिटलाइजेशन का फायदा देश को मिला है और देश में जो 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 जो, जो बैंकें हैं बैंकिंग सिस्टम है उसमें जमाएँ बढ़ी हैं, लो कॉस्ट डिपॉजिट्स भी बढ़े हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम भी बढ़े हैं, ये सफलताएं हैं इसकी, और साथ में इक्विटी लिंक्ड जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो बड़े लोगों को ज़्यादा फायदा हुआ है और हमारा एमएसएमई सेक्टर जो है वो इससे बहुत त्रस्त हुआ है। ठीक है पंकज गया जी फाइनल कमेंट आपसे, 2016 से पहले जो स्थिति थी और 2021 में जो स्थिति है आपको लग रहा है कि 16 तक आने में भी और वक्त लगे, आपको लग रहा है कि हो चुका है अब आगे बढ़ने का वक्त है? देखिए अब आगे बढ़ने का वक्त है, ये फैक्चुअल एस्पेक्ट है कि ई कॉमर्स बिग कंपनी परचेजेस एमएसएमई से परचेजेस और प्रोडक्शन कम होना ये सब इल इफेक्ट रहे हैं डिमोनेटाइजेशन के। आज अगर आप ऑर्गेनाइज ट्रेड और अनऑर्गेनाइज ट्रेड का रेशियो देखेंगे तो ऑर्गेनाइज ट्रेड करीब करीब 40% ग्रोथ ले चुका है और उसका बहुत बड़ा रीज़न ये एमएसएमई सेक्टर का जो ब्रेक थ्रू था, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन आया फिर कोरोना आ गया, 2 साल कोरोना रहा तो कंटिन्यूस उसको इल इफेक्ट करता रहा जी। छोटे व्यापारी के पास फंड की हमेशा से क्राइसिस रहती थी, कैश इकोनॉमी से वो काम करता था, आज जब कैश इकोनॉमी रूरल इकोनॉमी जो हमारी है वो कैश बेस्ड इकोनॉमी थी, आज फसल की खरीद बिक्री है, आज फसल के लिए फाइनेंस की उपलब्धता है वो सब कैश के ऊपर डिपेंडेंट थी जी। तो आज उन सब पे जो इफेक्ट आया आप अब देख रहे हैं कि अब हम एक डिफरेंट इरा की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उसको डिमोनेटाइजेशन से लिंक नहीं कर सकते, ग्रोथ एक नेचुरल फेनोमेना है जी। क्रिप्टो करेंसी की जैसे अपन बात कर रहे थे, मैं खाली इतना सा की कमी है, मैं तो ये जानना चाह रहा हूं क्या नोटबंदी ने देश को 4 कदम पीछे किया 2 कदम आगे किया? देखिए ये फैक्ट है कि नोटबंदी ने एमएसएमई सेक्टर स्मॉल सेक्टर जो नॉर्मल आदमी था, और अगर हम टैक्स की बात करें तो बेचारा जो छोटा इंडिविजुअल टैक्स पेयर था उसके लिए तो एक बड़ी मुसीबत लेकर आया। सर वही तो 90% है देश में, वही तो 90% है देश में सर, 10% ही तो इससे कम है, 90% तो वही तब के आते हैं सारे इसमें। बावर जी फाइनल कमेंट, एक उपलब्धि बताइए सर, कमियां तो बहुत गिना ली हमने। मैंने उपलब्धि तो आप क्या कहेंगे, सरकार का ये निर्णय ही गलत था तो आप उपलब्धि कैसे मानेंगे? मैं भारतीय मान ले कि भारतीय नहीं, मैं बताना चाहूंगा भारतीय, जैसा अभी बोला मुकेश जी ने, भारतीय मुद्रा का विश्वास घट गया, इससे ज्यादा बदतर हिंदुस्तान के लिए कुछ नहीं हो सकता है। क्या आज भारतीय नोटों में विश्वास नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो लोग पैसा रखते थे भारतीय रुपए में विश्वास करते, आज विश्वास नहीं कर रहे हैं, वो क्रिप्टो करेंसी में जा रहे हैं, ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। तो ये विवेकपूर्ण निर्णय नहीं था, सर कैश फ्लो बढ़ा है और ट्रांजेक्शन बढ़ा है, क्या विश्वास नहीं है? नहीं 10 लाख करोड़ रुपए कैश बढ़ा था, इसका मतलब आपने 2 नंबर का पैसा और बढ़ रहा है, अभी 2 नंबर के 2000 के नोट जितने पकड़े गए नए वो 56% है। देखिए हर एक निर्णय के दो पहलू होते हैं, कोई विपक्ष में बैठा हो या पक्ष में बैठा हो, आप भारत की आजादी के बाद कभी 6% पे लोन हुए हैं आज तक? चाहे दबे मन से मानना पड़ेगा लेकिन ये उपलब्धि थी और है। अरे भाई साहब वो तो बैंक में मेरा पैसा जमा था 12% मिलता था, मेरा कम हो गया। अरे सुनो ना जवाब दे रहा हूं मैं आपको, किसी को मिले हो कम मिल रहा है, इतना पैसा जो बचत करने वाला था उनको आज 5% मिल रहे हैं, आज सेविंग की रेट क्या 3.75, तब सेविंग की रेट होती थी 10.5% ऊंची दर पे लेना और देना क्यों पड़ा? अरे गरीब को आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि नोटबंदी के 5 साल बाद आपके हाथ में क्या आया और क्या नहीं आया, लेकिन गरीब को मार दिया इसके ने।
गरीब आदमी का 90% जो है आज सेविंग की कर खराब हो रही है। आज मेरा ब्याज 3.75% है सेविंग करने पे। सुनो, आपको 6% में मिल रहा है। बैंक ने तो अपना रेशियो रख लिया, लेकिन गरीब का जो डिपॉजिट करने का पैसा था वो तो कम हो गया ना 3.75। जब मैं 87 में था तब 12.5% ब्याज मिलता था, आज मिलता 3.75। ये क्या कहोगे आप? देश को गरीब को मारने वाला कदम नहीं है ये? आज मैं पैसा क्यों डालूं बैंक में? मैं जमीन में डालूंगा, मैं सोने में डालूंगा, मैं क्रिप्टो करेंसी में डालूंगा ना। मैं क्यों डालूं पैसा? बैंक में नहीं डाल रहे लोग। बैंकों के पास इतना पैसा आज है। सेविंग घट गई, आपको पता होना चाहिए। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे लगता है कि नोटबंदी से क्या खोया और क्या पाया, जो आम आदमी घर पर बैठा है ना वो बेहतर तरीके से समझता है, क्योंकि उसके घर पर उससे का सबसे बड़ा असर पड़ा। नमस्कार।